आजकल चाय और कुल्हड़ दोनों खूब चर्चा में है। चाय के शौकीनों से पूछिए कुम्हारों के द्वारा चाक पर बनाए कुल्हड़ में चाय पीने का क्या मजा है। एक अलग ही खुशबू स्वाद के लिए लोग कुल्हड़ की चाय पीना पसंद करते हैं, और यदि मौसम ठंड का हो तो बात ही कुछ और है। पर ऐसा नहीं है कि कुल्हड़ की चाय केवल स्वाद के लिहाज से ही अच्छी होती है, बल्कि इससे स्वास्थ्य को भी काफी फायदे होते हैं। कुल्हड़ वाली चाय का नाम आते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। कुल्हड़ की चाय का स्वाद ही इतना बेहतर होता है, पर मशीनों पर बनने वाले कुल्हड़ ने किसानों के चौक की रफ्तार और स्वाद दोनों बेअसर कर दिया है। आपको बता दें कि कुम्हारों के द्वारा बनाए गए कुल्हड़ से चाय का स्वाद भी बढ़ जाता है। इसमें मिट्टी का सोंधापन से चाय पीने का मजा ही खूब बढ़ जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुम्हारों की कहानी बताएंगे, कैसे इनके द्वारा बनाए जा रहे मिट्टी के कुल्हड़ की डिमांड बाजारों में बढ़ी है, इन्हें कितना मुनाफा हो रहा है, साथ ही सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इनके जीवन को कैसे संवार रही है। एक दौर था जब लोग मिट्टी के बर्तन से ही घर के कामकाज करते थे। एक ऐसा भी दौर आया जिसमें पानी पीने के साथ साथ चाय पीने के लिए प्लास्टिक के ग्लास बाजारों में खूब भर भर कर आ गए। लेकिन प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने प्लास्टिक से बने इन चीजों को बैन कर दिया। करना ही था, नहीं तो आप जानते ही हैं कि अभी तक क्या से क्या हो जाता। ऐसे में जिसके बाद एक बार फिर कुम्हारों द्वारा बनाए जा रहे कुल्हड़ की डिमांड मार्केट में खूब बढ़ने लगी है, और कुम्हारों के जीवन में एक बार फिर खुशहाली आने लगी, इनका जीवन सवरने लगा। आज बाजारों में आपको कई तरह के कुल्हड़ देखने को मिल जाएंगे। एक कुम्हारों द्वारा चाक पर बनाए कुल्हड़ द्वारा उद्योगपतियों के द्वारा मशीन से तैयार किया गया कुल्हड़, मशीनों से तैयार कुल्हड़ कुम्हारों के जीवन में रास्ते का धीरे धीरे कांटा बनते जा रहा है। मशीनों से तैयार कुल्हड़ में चाय का स्वाद चाक पर बने कुल्हड़ के जैसा भी नहीं है। लोग चाक पर बने कुल्हड़ को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसे आग में पकाकर तैयार किया जाता है और फिर इसमें मिट्टी का सोंधापन चाय पीने वालों को अलग ही मजा देता है। वहीं आपको बता दें कि प्लास्टिक बैन होने के बाद इस प्याले की डिमांड बाजारों में बढ़ गई है, लेकिन चाइनीज प्याला थोड़ा उनके बिजनेस को मार रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 150 रुपए सैकड़ा प्याली बाजारों में बिक जाती है। इसे बनाने में खर्च भी बहुत ही कम आता है। बिहार के कई कुम्हारों का कहना है कि 1500 रुपए ट्रैक्टर मिट्टी गांव से मंगाते हैं। एक ट्रैक्टर मिट्टी से करीब 20,000 प्याली तैयार हो जाती है, जिसमें करीब 8,000 रुपए और मेहनत लगती है। इससे करीब 25,000 से 30,000 रुपए की आमद होती है। साथ ही बिहार के कुम्हारों का यह भी कहना है कि इसमें अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन अगली पीढ़ी इस पुश्तैनी धंधे से दूर हो गई है। साथ ही बिहार के कई चाय की दुकान पर चाक पर बने कुल्हड़ में चाय की चुस्की ले रहे ग्राहकों का भी कहना है कि प्लास्टिक के प्याली से ज्यादा बेहतर मिट्टी की प्याली है, लेकिन इसमें भी मशीन से तैयार प्याली कुम्हारों की चाक पर तैयार प्याली जैसा स्वाद नहीं देता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि चाक पर बने प्याली की बात ही कुछ और है, उसका स्वाद और मिट्टी का सोंधापन चाय पीने का मजा खूब बढ़ा देती है।